हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं यूपी की आयुष काउंसलिंग के बारे में यहाँ पर बात करने वाला हूँ। तो आपको जैसा कि पता है, जो यूपी की आयुष काउंसलिंग है वो यहाँ पर 8 सितंबर से, यानी कि आज से स्टार्ट हो गई है। जो भी स्टूडेंट्स यूपी की आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो रजिस्ट्रेशन विंडो है वो यहाँ पर 8 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक खुली रहेगी। और जो पेमेंट करने की जो फैसिलिटी है, जिसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन फीस और सिक्योरिटी अमाउंट जमा करना है, उसकी जो फैसिलिटी है वो यहाँ पर 11 सितंबर तक खुली रहेगी। उसके बाद में दूसरी सूचना मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि देखो, जो भी स्टूडेंट्स अदर स्टेट से भी हों वो यहाँ पर यूपी के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर यूपी के अंदर आपको जैसा कि पता है बहुत सारे बीएमएस प्राइवेट कॉलेजेस हैं, बीएचएमएस कॉलेजेस हैं, बीयूएमएस कॉलेजेस हैं। तो एज कंपेरिजन टू अदर नॉर्थ स्टेट, यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा बीएमएस कॉलेजेस है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर एडमिशन लेने भी आते हैं और यहाँ पर अच्छे अच्छे आपको प्राइवेट कॉलेज भी मिलेंगे। तो देखो, मैं आपको फटाफट से आपको काउंसलिंग शेड्यूल भी बता देता हूँ, समझा देता हूँ डिटेल में कैसे क्या काउंसलिंग शेड्यूल रहने वाला है यूपी आयुष काउंसलिंग का। तो देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो नोटिस है ये यहाँ पर 5 सितंबर को यहाँ पर आया है, जिसके अंदर यही बताया हुआ है कि ये जो यूपी की आयुष काउंसलिंग है ये बीएमएस कोर्स, बीएचएमएस कोर्स, बीयूएमएस कोर्स, इन तीनों कोर्सेज के लिए यहाँ पर यूपी की आयुष काउंसलिंग करवाई जा रही है, गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए। गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस में जो एलिजिबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट कैंडिडेट्स की है, और जो स्टूडेंट्स अदर स्टेट से हैं वो यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। फिर उसके बाद में देखो, मैं आपको शेड्यूल भी समझा देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो, ऑनलाइन पंजीकरण का मतलब होता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और अभिलेख अपलोड करने की तिथि, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने की जो तिथि है वो यहाँ पर 8 तारीख से 10 तारीख तक दी गई है। उसके बाद में धरोहर धनराशि, मतलब सिक्योरिटी अमाउंट वगैरह, इन सारी चीजों को सबमिट करने की तिथि जो है वो यहाँ पर 8 तारीख से लेकर 11 तारीख तक है। फिर ऑनलाइन अभिलेखों का सत्यापन, ये 9 तारीख से लेकर 13 तारीख तक रहने वाला है। फिर उसके बाद में जो स्टेट मेरिट लिस्ट होगी वो यहाँ पर 14 तारीख को आएगी। उसके बाद में ऑनलाइन जो चॉइस फिलिंग होगी वो यहाँ पर कब से होगी, 15 तारीख से लेकर 16 तारीख तक यहाँ पर आपकी ऑनलाइन चॉइस फिलिंग होने वाली है। उसके बाद में जो आपका रिजल्ट होगा वो यहाँ पर आपका 17 तारीख को आ जाएगा। और जो नोडल सेंटर है, नोडल सेंटर पर जो रिपोर्टिंग होगी, यानी कि जो लखनऊ में आपको रिपोर्टिंग करनी है नेशनल होम्योपैथिक कॉलेज के अंदर, वो आपको 18 तारीख से लेकर 20 तारीख तक, यानी कि आपको जो रिपोर्टिंग पीरियड है वो यहाँ पर आपको 3 दिन का दिया जा रहा है। उसके बाद में आवंटन पत्र डाउनलोड करने एवं आवंटित संस्था में प्रवेश करने की अंतिम तिथि, मतलब आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है और उस अलॉटमेंट लेटर को ले जाकर आपको उस कॉलेज में जमा करना है, उसकी जो अंतिम तिथि है वो 22 तारीख है। फिर उसके बाद में प्रवेशित अभ्यर्थियों द्वारा अपग्रेडेशन हेतु सम्मित भरने की अंतिम तिथि, मतलब जो भी स्टूडेंट यहाँ पर अपग्रेडेशन वगैरह करना चाहता है उसकी अंतिम तिथि भी 22 तारीख है। फिर अपग्रेडेशन परिणाम घोषित करने की तिथि, मतलब अपग्रेडेशन का जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पर 23 तारीख को आ जाएगा। और जो नोडल सेंटर होगा, नोडल सेंटर पर नवीन आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों का सत्यापन, ये 24 तारीख को होगा। और अपग्रेडेड आवंटन पत्र, मतलब जिन भी स्टूडेंट्स के यहाँ पर अपग्रेडेशन हुआ था उनको जो अपग्रेडेड अलॉटमेंट लेटर है वो यहाँ पर 25 तारीख को मिल जाएगा, और उन्हें क्या करना है वो कॉलेज में जाके जमा कर देना है। तो ये जो आपका शेड्यूल आया है, ये राउंड वन का शेड्यूल आया है, इस चीज का आप ध्यान रखना। पिछले साल यूपी के अंदर मात्र 3 राउंड हुए थे। 3 राउंड इस वजह से हुए थे क्योंकि पिछली बार यूपी की आयुष काउंसलिंग जो थी वो थोड़ा लेट चालू हुई थी। इस बार जो यूपी की आयुष काउंसलिंग है, मुझे तो यही लग रहा था लेट चालू होगी, लेकिन अच्छी बात है इस बार जल्दी चालू हो गई है। तो मुझे ऐसा लगता है इस बार 4 राउंड होने वाले हैं यूपी की आयुष काउंसलिंग में, क्योंकि पिछली बार जो स्ट्रे वेकेंसी राउंड था वो नहीं हुआ था यहाँ पर, लेकिन मुझे इस बार ऐसी आशा है कि यहाँ पर स्ट्रे वेकेंसी राउंड भी होगा। और जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर काउंसलिंग गाइडेंस चाहिए, जिन भी स्टूडेंट्स को, वो यहाँ पर हमारा गाइडेंस फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेरी हो यूपी आयुष काउंसलिंग के रिगार्डिंग, वो इन नंबरों पर कॉन्टेक्ट कर सकता है। जो मेरी टीम के कृष्णा सर है वो आपकी क्वेरीज का पूरा जवाब देंगे। और जो भी कॉलेज वगैरह आपको चाहिए या आपको कॉलेज वगैरह समझ में नहीं आ रहे हैं, तो उनके बारे में भी आपको सारी चीजें बताएंगे कृष्णा सर। आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल बिंग डॉक्टर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।